हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम तुम्हारा टेस्ट हुआ था लास्ट, उसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस को किस किस तरह से सॉल्व करना था, इनमें आंसर क्या क्या थे, जो तुमसे नहीं बने क्वेश्चंस उनको भी तुम देख सकते हो कि इनको इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना था और इनका आंसर ऐसे आता। ठीक है, चलो देखते हैं उसी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहा हूँ। सबसे पहले, व्हेन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज चेंजेस, दो बॉडीज हैं उनके बीच का मीडियम चेंज होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज होता है हमारा फॉर्मूला। ये मास मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, और जी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है, फोर्स चेंज नहीं होगा, फोर्स सेम रहेगा, तो रिमेन सेम वाला इसमें ऑप्शन था डी, वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वेरीज विद डिस्टेंस आर एस, डिस्टेंस आर के साथ फोर्स कैसे वेरी करता है, तो यहां से पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसा भी ऑप्शन है सेकंड वाला, तो दूसरे में सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टॉप ऑफ अ टावर से स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं हम, ठीक है, हाइट है उसकी 20 मीटर, 20 मीटर गिरता है वो, तो उसकी हमें वेलोसिटी बतानी है, तो एच हाइट के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है रूट ओवर 2 g h, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, एच हाइट से गिरेगा, तो ये हम ले चुके हैं फॉर्मूला, जी की वैल्यू है हमारे पास 10 और ये 20, सॉल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, दिया हुआ है थर्ड में डी, तो थर्ड वाले में डी आ जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, मतलब मून पर जी का वैल्यू और अर्थ पर जी की वैल्यू का रेशियो, तो ये हमें पता है कि मून पर जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ का 1/6 होता है, तो रेशियो 1/6 आ जाएगा, और ऑप्शन दिया हुआ है 1/6, फोर्थ में सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, तो जो ऊपर फेंके या नीचे फेंके किधर भी फेंके एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है इतनी ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो ऊपर जा रहा होगा तब जो एक्सेलरेशन होगा जी वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन, तो ऐसा एक ऑप्शन है फर्स्ट वाला, तो फिफ्थ में फर्स्ट आ जाएगा, ये फिफ्थ वाला था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, व्हेन अ स्पेसशिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है अगर हम बात करें सरफेस पर, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस होती है आर के इक्वल, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पर हमें यहाँ नहीं बताया, हमें बताना है कि स्पेसशिप है जो 2 अर्थ रेडियस मतलब तो यहाँ पर है कितने डिस्टेंस हुई आर सेंटर से आर और टू आर, यहाँ पर जी का वैल्यू, तो जी यहाँ पर जो होगा वो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया 2 आर, तो आर की जगह डिस्टेंस यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी 2 आर, तो जी एम अपॉन 2 आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो जी एम अपॉन 4 आर स्क्वायर, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है जी के इक्वल, तो ये हो जाएगा जी बाय 4, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो जी बाय 4 होगा, जी का वैल्यू कितना होता है हमारा 9.8 डिवाइड बाय 4, तो ये 2 पॉइंट और ये 4 और 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का ऑप्शन डी वाला, तो 6 में डी हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज थ्रोन अप एंड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 9.6 meters is initial speed. Question number 7, ball को throw कर रहे हैं ऊपर की तरफ, u speed से maximum height के नीचे जाता है, maximum height का formula लिखा था हमने,
क्या u स्क्वायर अपॉन 2g, u का वैल्यू हमें बताना है, तो u इक्वल्स रूट ओवर 2gh, 2g का वैल्यू 9.8 और ये 19.6, तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19.6 ही बनता है, 19.6 रूट के अंदर, तो 19.6 बाहर आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी एक ऑप्शन है सी वाला, तो सेवन में सी। फिर देखते क्वेश्चन नंबर ए। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 500 ग्राम एंड 200 ग्राम रेस्पेक्टिवली आर ड्रॉप्ड नियर द आर सरफेस। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ए ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ए बी। तो दो ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं दोनों का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, सभी ग्रेविटी स्टेशनर एक्सेलरेशन से ही नीचे आते हैं। किसी भी एक बड़े से पत्थर को फेंको, छोटे से पत्थर को फेंको, हाथी को फेंको, चींटी को फेंको, सभी जी से ही नीचे आएंगे, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी इसके इक्वल, जी के इक्वल। ए बी और ए ए दोनों सेम होंगे, फर्स्ट ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, टेक्स 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, यहां से गिराया यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगे, एच हाइट से गिराया, तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा रूट ओवर 2h/g, तो यहां से h हाफ gt स्क्वायर, g का वैल्यू 10 टाइम 4 का स्क्वायर 16, तो ये रहेगा 80 मीटर, तो हाइट आ जाएगी 80 मीटर। और यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसके जो नियरेस्ट होगा अगर जी का वैल्यू 9.8 ले लें तो एग्जैक्टली मुझे मिल जाएगा ये 78.4, ठीक है, जैसे टाइम से एक्स एक्सिस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.4 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The force of 10 Newton acts on the two surfaces, area 1:2 in दोनों surfaces का, the ratio of thrust, तो thrust का ratio बताना है, तो thrust जो होता है वो force के equal होता है, perpendicular force, force दोनों पे 10 Newton का है, तो force same होगा तो thrust भी same ही होगा, तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा 10th वाले का D। 11th, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एरिया दिया हुआ है 0.001 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन थ्रस्ट, फिर थ्रस्ट फिर किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल, फोर्स कितना है यहां पर 50, तो थ्रस्ट भी 50 न्यूटन, 11th में ए आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 इसको ध्यान से समझना। इसमें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट अ डेप्थ h इज गिवन बाय, h डेप्थ पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो ये मान लेते हैं हम लिक्विड ऐसे भरा हुआ है इसके अंदर, और यहां से ये h डेप्थ पर पहुंच गए, इस जगह पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, इसके लिए क्या करते हैं हम एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं, ये इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, ठीक है, इसकी ये हाइट तो h हो गई और एरिया इसका a हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रेशर इसका भी एरिया a ही होगा, नीचे वाले का प्रेशर ऐसे लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है प्रेशर हमेशा, और फोर्स और प्रेशर में रिलेशन होता है p equals to f by a, तो फोर्स को ले सकते हैं p into a, ये फोर्स को ले सकते हैं, तो यहां पर प्रेशर के वजह से फोर्स लग रहा होगा p into a इस लिक्विड के ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक। अब ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो लिया है हमने, इसके अंदर क्या है लिक्विड है, उस लिक्विड का वेट होगा किस तरफ, नीचे की तरफ, वेट वेट निकालते हैं हम कैसे, मास इनटू जी से, एम इनटू जी से, ठीक है। अब इसका मास, तो मास और डेंसिटी का रिलेशन होता है हमारे पास, मास इक्वल्स होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर हम सिलेंडर का निकालते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इसकी हाइट या फिर लेंथ जो भी है,
ए इंटू एच, ये पढ़ोगे तुम या पढ़ लिया होगा तुमने एरिया वॉल्यूम है तो ये होता है, तो इसका बी को लिख देंगे ए इंटू एच इंटू जी। अब देखो ये लिक्विड कहीं भी नहीं जाता, ये लिक्विड यही रहता है ना, तो ऊपर हवा में उड़ता है ना नीचे लगता है, मतलब यहाँ पे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। बैलेंस मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा हो उतना ही ऊपर, तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं तो ये इसलिए लिक्विड मूव नहीं करेगा, तो जितना फोर्स नीचे उतना ही ऊपर है, तो ऊपर कितना लग रहा है P into A और नीचे कितना लग रहा है W, W का वैल्यू B into A into H into G, A से A कैंसिल तो P का वैल्यू क्या है डी एच जी और डी एच जी या फिर एच डी जी, ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या है B, इसको तुम तो याद कर सकते हो कि जैसे हम D डेप्थ में सॉरी H डेप्थ में जाते हैं, एच डेप्थ में जाते हैं प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती है, कितने से इंक्रीज होती है, इतने से इंक्रीज होती है, इसको हम गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, गॉज प्रेशर, इस वाली वैल्यू को एच डी जी डी डेंसिटी है यहाँ पर, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं वाटर के अंदर तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, इस वजह से जो कि डाइवर्स वगैरह तुम देखते हो जो डेप्थ में जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, वो सूट क्या करते थे एक्स्ट्रा प्रेशर जो लग रहा है लिक्विड का उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अगर हम जैसे जितने ज्यादा डेप्थ में जाएंगे हमें सांस नहीं आएगी वहां पर क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगे हमारे फेफड़े से सिकुड़ जाएंगे, तो अगर तुमने सिलेंडर वगैरह लगा के रखा है ना सांस का तो तुम ऑक्सीजन ले ही नहीं पाओगे अंदर, क्योंकि अंदर से बॉडी में प्रेशर लग रहा है बहुत ज्यादा, तो प्रेशर जितना ज्यादा एच की जितनी ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो गॉज प्रेशर जो होता है तो ये अच्छे ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा लग रहा है वेट कम है, अगर वेट ज्यादा होता है अपथ्रस्ट से तो नीचे जाता है, अगर वेट कम है अपथ्रस्ट ज्यादा तो ऊपर की तरफ उछलता है, जैसे वुड हो गया प्लास्टिक हो गया तो इनमें अपथ्रस्ट ज्यादा लगता है, अगर पूरा का पूरा अंदर डाल लिया तुमने तो इसमें क्या होगा जो अपथ्रस्ट है मोर देन द वेट ऑफ द वुड, वेट ऑफ द वुड से ज्यादा होगा, तो सी वाला आंसर आएगा 13। 14 देखते हैं, अ सिलेंडर ऑफ वुड फ्लोट्स वर्टिकल इन वाटर विद 1/4 of its length out of water, मतलब ये सिलेंडर जो है इसमें फ्लोट कर रहा है और 1/4 वॉल्यूम उसका बाहर है बाकी अंदर है, ठीक है 1/4 बाहर है, तो जो v out जो होता है हमारे पास कितना पोर्शन बाहर है, तो वो फॉर्मूला v out upon v हम लिख चुके हैं क्या 1-σ/ρ, ध्यान रखो सिग्मा इसका डेंसिटी रो इसका डेंसिटी वाटर का, तो ये 1/4 दिया हुआ है तो सिग्मा अपॉन रो हो जाएगा हमारे पास 1-1/3/4, तो इस सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू रो, रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 के इक्वल, तो 1 लिखेंगे तो 3/4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 3/4 मतलब 0.75 और 0.75 वाला ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो 14 में सी आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये 14 हो गया, 15 को देखते हैं तो 15 जो है वो है टू सॉलिड्स x एंड y फ्लोट ऑन वाटर, x फ्लोट्स हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज व्हाइल y फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउट, तो एक का तो हाफ है मतलब v in upon v की वैल्यू हाफ, दूसरे का v out upon v की वैल्यू 1/3, तो ये होता है हमारा sigma upon rho, तो sigma 1 upon rho और ये 1 minus
आउट वाला, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी रो बाई टू, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर सकते हो ये 2/3 हो जाएगा दोनों का रेशियो इसका इसका, तो 1 रो बाई 2 2/3 रो 3/4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा 15 का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉडी फ्लोट्स 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बतानी है, तो वाटर में 1/3 पार्ट्स बाहर है, तो बी आउट अपॉन बी 1 माइनस वाटर का डेंसिटी 1 होता है हमारा, तो वाटर के अंदर तो ये वाली कंडीशन है, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब किसी लिक्विड के अंदर जिसका डेंसिटी हमें पता नहीं है उसमें 3/4 बाहर है और इसकी डेंसिटी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ सिग्मा अपॉन रो इक्वल्स टू 1/4, तो रो इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2/3 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 में ये भी दिया भाई बी वाटर का डेंसिटी 1 करेंगे ये सॉल्व करेंगे ऐसा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को और देखें, इसमें क्या है, इफ डायमीटर ऑफ अर्थ इज डबल्ड मेंटेनिंग इट्स मास, मास से में डायमीटर डबल कर रहे हैं तो वेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो जी जो फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है, मास को चेंज नहीं कर रहे किसको चेंज कर रहे हैं डायमीटर को, तो डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगी, रेडियस आर से क्या होगी 2r, ये जीएम अपॉन 4r स्क्वायर, मतलब जी का नया वैल्यू जो आएगा ठीक है जी डैश लिख देते हैं इसको, तो जी डैश जो आएगा वो जी बाय 4 आएगा ठीक है, और वेट जो होता है वो एम जी होता है, तो जो नया वेट होगा वो क्या हो जाएगा एम जी बाय 4, मतलब जो वेट होगा पहले का क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स, क्योंकि जी की वैल्यू 1/4 हो गई, तो आंसर आ जाएगा सी 17 में। 18 देखते हैं, अ पॉइंट मास ऑफ 10 केजी इज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे अगर रख देंगे किसी मास को तो सेंटर पे रहेगा, तो सेंटर पे ग्रेविटी जीरो होती है तो वेट भी क्या हो जाएगा जीरो, सिंपल, तो वेट ऑफ पॉइंट मास जीरो होगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 18 का आंसर हो गया। 19, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इंक्रीज बाय 2%, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है हमारा जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसको अगर हम क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं इफ चेंज इज लेस देन 10%, अगर जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं वो लेस देन 10% है देन, चेंज एफ में चेंज परसेंटेज चेंज, देन परसेंटेज चेंज उसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 इक्वल्स टू, जो भी पावर होती है वो पावर मल्टीप्लीकेशन में होती है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ऐसा होता है, तो ये डिस्टेंस में परसेंटेज चेंज, ये फोर्स में परसेंटेज चेंज, तो डिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है 2%, तो ये 2 लिख देंगे तो 2 × 4% इसका आंसर हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स जो होगा डिक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा 4% से, तो 4% डिक्रीज इज 4%, तो 19 में भी ये चीज ध्यान रखिए, अब अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 10% होता है तो ऐसा, अगर मान लो यहाँ पर क्यूब होता सपोज वैसा होता नहीं, अगर क्यूब होता यहाँ पर तो ये पावर 3 आ गया जाती है, 3 से मल्टीप्लाई होता फिर 6 होता आंसर, पर 3 नहीं है यहाँ पे 2 है तो जो आंसर होगा वो 4 ही होगा, परसेंटेज लेस देन 10 होनी चाहिए है ना, अगर मान लो यहाँ पर परसेंटेज 5 होता
मतलब आर का वैल्यू अगर 5 होता तो यहाँ 5 लिख देते, 5 इंटू 2 आंसर हमारा 10 आ जाता। मान लो अगर डिस्टेंस को जो चेंज कर रहे हैं वो अगर 0.5 होता, इसके लिए 0.5 लिख देते आंसर 1 आ जाता। इस टाइप से हम कर सकते हैं, जो भी पावर हो वो आगे रहती है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ऑन अ प्लेनेट हूज साइज इन हूज साइज सेम्स, साइज वही है मतलब रेडियस की रेडियस इक्वल है और मास है 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? तो जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अर्थ के लिए हो गया। प्लेनेट के लिए क्या होगा? मास जो है वो 4 टाइम्स है, साइज वही मतलब रेडियस उतनी, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वहां पर वो अर्थ के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा होगी। एनर्जी नीडेड टू लिफ्ट अ 2 केजी मास वर्टिकली अपवर्ड थ्रू 2 मीटर डिस्टेंस ऑन द प्लेनेट। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम जी एच। अगर हम एच कहते किसी को फूल लेके जा रहे हैं तो ये एनर्जी का फॉर्मूला ये तुमने शायद पढ़ रखा होगा। मास 2 केजी, जी का वैल्यू 10। ठीक है, अर्थ पर तो प्लेनेट में कितना हो जाएगा इंटू 4 और हाइट कितनी ले जा रहे हैं 2 मीटर, कितना आ गया ये 4 इंटू 2 इंटू 2 160 जूल। एनर्जी 160 जूल हो जाएगी। ये हमारे साथ लेकर कुछ फॉर्मूला जो हमने लिखे नहीं थे, मैंने नहीं बताया, जैसे ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ये किसी को शायद पता होगा पहले से पढ़ रखा होगा, शायद 8 क्लास में पढ़ लिया होगा तुमने, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जैसे ये वाला हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 19 उसका भी फॉर्मूला हमने पहले कभी बताया नहीं था, एक वो भी क्वेश्चन आ गया तो उसको भी हम थोड़ा सा अगर दिमाग अगर लगा दे परसेंटेज चेंज वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 12, तो 3 क्वेश्चन जो थे हमारे 12, 19 और 20, तो ये जो क्वेश्चन है इन पे हमने मतलब फॉर्मूलाज वगैरह नहीं डिस्कस किए थे पर अब कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं लेना है सबको पढ़ाते क्या है क्वेश्चन क्या देते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे एनटीएससी में जैसे आते हैं, जैसे एनटीएससी में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो अलग से आ जाते हैं बाहर से बिल्कुल कभी कभी, तो उनको भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगा करेंगे तो वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, वो भी बन जाते हैं हमसे बना सकते हैं मतलब। तो ऐसे यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चन जैसे डाल सकते हैं जिनको तो ट्राई कर सकते हो, नहीं ट्राई करो तो फिर थोड़ा सा अंदर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की मतलब कि इसको कैसे करेंगे क्या आ गया है, तो इस टाइप से भी तुम कुछ क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए मैंने सारे, तो ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी थे, फटाफट हो गए, और 5 से 6 क्वेश्चंस जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगा करने में, ऑलमोस्ट मतलब 15 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सभी के सही हो गए होंगे, मतलब आउट ऑफ 20 15 क्वेश्चंस तो सभी के राइट होंगे, और बचे 4-5 क्वेश्चंस तो वो किसी ने अटेंड किए होंगे नहीं किए होंगे तो वो रैंक डिसाइड करेंगे मतलब ज़्यादा नंबर किसके आते हैं कम नंबर किसके आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और जो डाउट्स है उसको पूछते रहना है, जो भी डाउट्स है उसको तुम अभी भी पूछ सकते हो, जैसे 9th क्लास के डाउट बहुत कम पूछते हैं, आते ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कभी डाउट आया होगा। ठीक है, तो डाउट्स वगैरह पूछा करो, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता उसको भी पूछा करो, क्वेरीज वगैरह ऑप्शन मतलब तुम्हारे पास सुविधा है साइट पर जाकर लॉग इन करके तुम क्वेरीज अपलोड कर सकते हो, तो वहां से क्वेरीज वगैरह अपलोड किया करो और जो भी डाउट्स है उनको पूछा करो। ठीक है, आया सब में, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।